हम बनाने जा रहे हैं कस्टर्ड शेक, तो चलिए बनाते हैं बहुत ही अच्छा सा एक शेक जिसे हम स्वीट डिश के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका हम मेज़रमेंट इस तरीके से लेंगे कि एक गिलास दूध में एक चम्मच कस्टर्ड पाउडर मिक्स किया जाता है, और इसको हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। अब हम लेंगे इसके अंदर डालने के लिए ड्राई फ्रूट्स, तो हमने 4-5 इलायची ले ली है, थोड़ी सी किशमिश ले ली है, थोड़ी से बादामों को बारीक बारीक काट लिया है, और डेट्स ले लिए हैं। इसकी हम इस तरीके से ऊपर से डेकोरेशन करेंगे। तो अब हम अपना चढ़ा देते हैं, इनको हम बारीक बारीक काट लेते हैं और पतीले में हम चढ़ा देते हैं अपना कस्टर्ड। तो इसको जब चढ़ाएंगे तो इसको चलाते रहेंगे ताकि जो इसका तला है इसमें लगे ना, क्योंकि बहुत जल्दी से नीचे जाता है। इसको चलाते हुए 1-2 सेकंड के लिए करना है, चलाते रहना है, और इसमें फिर हम खांड डाल देंगे। मैं शुगर नहीं यूज़ करती हूँ। और जब उबाल आ जाएगा तो इसमें हम अपने ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, उन्हें जब थोड़ी देर उबाल लेंगे तो हमारी ये कस्टर्ड बहुत जल्दी से बन के रेडी हो जाता है 2-3 सेकंड में ही। और इस तरीके से हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे बाउल में, और इसे ठंडा करके खाएँ फ्रूट्स डाल के।